हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। स्वेटर, कार्डिगन, लेडी स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, जैकेट, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। रंग साइड पे ऐसे दिखता है। डिजाइन 16 रोज का डिजाइन है। 16 रो आपको रिपीट करना है बार बार। इस डिजाइन को बनाने के लिए 10 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस एक्स्ट्रा 5 + 2 करना होगा। इसमें मैंने 10 का मल्टीपल करके 20 प्लस एक्स्ट्रा 5 + 2 कर लिया है। टोटल 27 कर लिया है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदा उल्टा बुनिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ से और 5 फंदा ऐसे बिना बुने ऐसे उतारना है। 2 3 4 5 और फिर 5 फंदा उल्टा। धागा आगे की तरफ रखिए। 5 फंदा उल्टा। 1 2 3 4 5 अब यही रिपीट करना है आपको। एक फंदे को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न। 5 फंदे से स्लिप करना है। 2 4 5 फिर 5 फंदा उल्टा। 2 4 5 अब यही रिपीट करना है आपको। फिर 5 फंदे से स्लिप करना है। 4 5 फिर 5 फंदा उल्टा। 1 2 3 4 5 फिर 5 फंदा ऐसे स्लिप करना है। 3 4 5 लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा। ये उल्टा, एक फंदा उल्टा। सेकेंड रो सब उल्टा बुनना है। सेकेंड रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रोज सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। थर्ड रो भी रो 1 की तरह बुनना है। थर्ड रो एक फंदा उल्टा, सेम रो 1 की तरह बुनना है और 5 फंदे से स्लिप करना है। 4 5 5 फंदे से स्लिप कर लिया है। अब 5 फंदा उल्टा। 1 2 3 4 5 अब यही रिपीट करना है आपको। 5 एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आपको रिपीट करना है। 5 फंदा स्लिप, 2 4 5 फिर 5 फंदा उल्टा। 2 4 5 यही रिपीट करना है आपको बार बार। फिर 5 फंदे से स्लिप करना है। 4 5 फिर 5 फंदा उल्टा। 1 2 3 4 5 फिर 5 फंदे से स्लिप करना है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा। ये उल्टा फोर्थ रो सीधा भी सीधा उल्टा भी उल्टा बुनना है। फोर्थ रो सीधा भी सीधा एक फंदे से स्लिप करिए। धागा आगे की तरफ लेइए और ये 5 उल्टा है। ये 5 फंदा ये उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 अब ये सीधा है, सीधा बुनना है इस फंदे को। 1 2 3 4 5 5 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, 5 फंदा सीधा, ये करके रो कंप्लीट करना है। धागा आगे फिर 5 फंदा उल्टा। 2 3 4 5 फिर 5 फंदा सीधा। 1 2 3 4 5
फिर पांच फंदा उल्टा, एक दो, सीधा भी सीधा उल्टा भी उल्टा बुन के ये रो कंप्लीट करना है फोर्थ रो। फिफ्थ रो, फिफ्थ रो भी रो वन रो थ्री की तरह बुनना है। फिफ्थ रो भी एक फंदे से एक फंदा उल्टा बुनिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, यहाँ से अब पांच फंदा स्लिप करना है, तीन चार पाँच, और फिर पांच फंदा उल्टा, दो चार पाँच, फिर पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, फिर ये रिपीट करना है, पांच फंदा स्लिप फिर पांच फंदा उल्टा, ये रिपीट करना है आपको, फिर पांच फंदा ऐसे स्लिप करना है, फिर पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, फिर पांच फंदा स्लिप करना है इस तरह से। अब लास्ट में एक फंदा बचेगा, ये उल्टा, सिक्स रो सीधा भी सीधा उल्टा भी उल्टा बुन के सिक्स रो कंप्लीट करना है। दो तीन चार पाँच, फिर धागा पीछे, फिर चार फंदा पांच फंदा सीधा, दो तीन चार पाँच। सेवेंथ रो भी रो वन रो थ्री रो फिफ्थ की तरह बुनना है। सेवेंथ रो भी एक फंदा उल्टा, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, पांच फंदा ऐसे स्लिप करना है, दो तीन चार पाँच, और पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। अब ये रिपीट करना है आपको, पांच फंदा स्लिप करना है और पांच फंदा उल्टा, दो चार पाँच, ये रिपीट करना है आपको बार बार। यहाँ से फिर रिपीट करना है, दो तीन चार पाँच, पांच फंदा स्लिप फिर पांच फंदा उल्टा, दो तीन चार पाँच, फिर इस फंदे फिर पांच फंदे ऐसे स्लिप करना है, तीन चार एक पाँच, लास्ट में एक फंदा उल्टा। सेवेंथ रो कंप्लीट कर लिया है। एट रो एक फंदा से स्लिप करिए, फिर धागा आगे की तरफ ले आइए, और दो फंदा उल्टा, एक दो, दो फंदा उल्टा, और यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है यहाँ से। अब इस पीछे की साइड के चार लूप के इस तरह से राइट निडल से ऐसे लेना है ये चार फंदों को। अब इस फंदे चार फंदों को फिर लेफ्ट निडल में ऐसे लेना है। अब ये चार लूप्स और एक फंदा उल्टा इस साथ में लेना है, इस पांच फंदों को इससे साथ में लेना है, इस फंदे को भी एक साथ बुनना है पांच फंदों को उल्टी की तरफ से। अब इस तरह से अब नौ फंदा हुआ उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब यही रिपीट करना है आपको, एक दो तीन, ये तीन फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। ये पांच लूप को ऐसे इकट्ठा कर लिया है, देन नौ फंदा उल्टा, दो चार छ आठ नौ। अब यही रिपीट करना है आपको बार बार। फिर पीछे की साइड में इस चार लूप को राइट निडल लेना है फर्स्ट में इस तरह से। अब इस चार फंदों को फिर लेफ्ट निडल में ऐसे उतारना है, ऐसे लेना है, और ये चार लूप और एक फंदा करके ये पांच फंदों को एक फंदा बनाना है, इस फंदे को भी एक साथ लेना है इस तरह से, पीछे की साइड से इस फंदे को भी एक साथ लेना है, इस तरह से छोड़ना है। अब फिर आप नौ फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच
छः सात आठ नौ। और फिर यहाँ से फिर सात फंदों चार फंदों को फिर ऐसे राइट नीडल पे लेना है फर्स्ट में, और फिर लेफ्ट नीडल में ऐसे उतारना है, और ये चार फंदों और इस उल्टा फंदा को एक साथ लेना है इस तरह से उल्टे की तरफ से। लास्ट में आपको दो फंदा उल्टा एज स्टिच भी उल्टा, देखिए ऐसे डिजाइन बन के आएगा। नाइन्थ रो एक फंदा ऐसे स्लिप करिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब इस बटरफ्लाई के ऊपर अब पांच फंदा उल्टा आएगा। अब इस फंदा अब यहाँ जाएगा, इस फंदे अब यहाँ बनेगा। अब इस इसके ऊपर अब पांच फंदा उल्टा आएगा। एक यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदा उल्टा आएगा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है दो चार एक पाँच, पांच फंदा उल्टा। फिर यहाँ फिर पांच फंदा स्लिप करना है, एक दो तीन चार पाँच, यही रिपीट करना है आपको बार बार। एक फंदा को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है दो चार पाँच, पांच फंदा उल्टा और पांच फंदा स्लिप, एक दो चार पाँच, आपको रिपीट करना है यही। यहाँ से फिर रिपीट करना है पांच फंदा उल्टा, धागा आगे की तरफ होना चाहिए, पांच फंदा उल्टा, दो तीन चार पाँच, फिर पांच फंदा स्लिप, दो तीन चार पाँच, फिर लास्ट में आपको फिर पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, एज स्टिच भी उल्टा। एट रो कंप्लीट कर, सॉरी नाइन्थ रो कंप्लीट कर लिया। अब टेंथ रो, टेंथ रो उल्टा भी उल्टा सीधा भी सीधा बुन के टेंथ रो कंप्लीट करना है, सीधा भी सीधा उल्टा भी उल्टा बुनना है टेंथ रो। धागा आगे इस फंदे का, इस फंदे भी उल्टा सीधा ही है, दो चार पाँच, पाँच फंदा सीधा, फिर धागा आगे और पाँच फंदा उल्टा, दो तीन चार पाँच। अब ये रिपीट करना है आपको, पाँच फंदा सीधा पाँच फंदा उल्टा, पूरी रो यही करना है आपको। इलेवन रो भी रो नाइन की तरह बुनना है। एक फंदे से स्लिप करिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है यहाँ से। अब पांच फंदा उल्टा, दो तीन चार चार पाँच, पांच फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, सॉरी धागा आगे, पांच फंदे से स्लिप करना है, तीन चार पाँच। अब ये रिपीट करना है आपको, पांच फंदा उल्टा, दो चार पांच फंदा उल्टा, पांच फंदा स्लिप करना है, यही रिपीट करना है आपको बार बार। यहाँ से फिर रिपीट करना है, फिर पांच फंदा उल्टा, धागा इस तरह से लेना है, दो तीन चार पाँच, पांच फंदा उल्टा, फिर पांच फंदा स्लिप, दो तीन चार पाँच, लास्ट में आपको फिर पांच फंदा उल्टा, तीन दो तीन चार पाँच, एज स्टिच भी उल्टा। रो इलेवन कंप्लीट कर लिया है। रो टू बेल रो सीधा भी सीधा उल्टा भी उल्टा बुन के रो टू बेल कंप्लीट करना है। पांच फंदा सीधा फिर पांच फंदा उल्टा, ऐसे ही रो कंप्लीट करना है। रो थर्टीन भी रो नाइन की तरह बुनना है। रो थर्टीन एक फंदे से स्लिप करिए।
अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ से पांच फंदा उल्टा, दो तीन चार पांच, फिर पांच फंदा स्लिप करना है, एक दो तीन चार पांच। अब यही रिपीट करना है आपको, पांच फंदा उल्टा, दो चार पांच, फिर पांच फंदा स्लिप, दो चार पांच, आपको ये रिपीट करना है। यही यहाँ से फिर रिपीट करना है, फिर पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पांच, फिर पांच फंदा ऐसे स्लिप, तीन चार पांच, लास्ट में आपको फिर पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पांच, एज स्टिच भी उल्टा। रो फोर्टीन एक फंदे से स्लिप करिए, थक आगे की तरफ लाइए, सॉरी रो फोर्टीन भी सीधे भी सीधा उल्टा भी उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। रो फोर्टीन पांच फंदा सीधा, दो तीन चार पाँच, फिर पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, एक करके आपको पांच फंदा सीधा पांच फंदा उल्टा बुन के ये रो कंप्लीट करना है। रो फिफ्टीन रो नाइन की तरह बुनना है। रो फिफ्टीन एक फंदे से स्लिप करिए और पांच फंदा उल्टा, तीन चार पाँच, फिर पांच फंदा स्लिप करना है, दो तीन चार पाँच, फिर ये रिपीट करना है आपको, पांच फंदा उल्टा पांच फंदा स्लिप, ये रिपीट करना है आपको, फिर यहाँ से भी रिपीट करना है, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, फिर पांच फंदा स्लिप करना है, दो तीन चार पाँच, लास्ट में फिर पांच फंदा उल्टा। रो फिफ्टीन रो नाइन की तरह बुनना है। रो नाइन रो थर्टीन रो एलेवन सेम ही बुनना है। रो सिक्सटीन एक फंदे से स्लिप करिए, अब यहाँ सॉरी एक फंदे से स्लिप करिए और सात फंदा उल्टा, एक लास्ट रो है, दो तीन चार पाँच छः सात, दो चार छः सात, सात फंदा उल्टा बुनने के बाद अब ये पीछे के सात फंदों चार फंदों को इकट्ठा करना है, ये चार फंदों और इस एक फंदों को साथ में लेना है, फिर लेफ्ट नीडल में लेना है इस चार फंदों को भी। अब उल्टे की तरफ से इस तरह से ये चार फंदा और ये उल्टा फंदा एक साथ लेना है। अब नौ फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, अब ये रिपीट करना है आपको बार बार, एक फंदा को छोड़कर सॉरी एक दो तीन चार पाँच छ सात सात या आठ, आठ फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, ये चार फंदों के इकट्ठा बना लिया, फिर नौ फंदा उल्टा, एक दो चार छः आठ नौ, आपको रिपीट करना है यहाँ से यहाँ तक, आपको रिपीट करना है यही बार बार, फिर यहाँ से फिर रिपीट करना है, नौ फंदा बुनने के बाद अब इस चार फंदों को फिर इस तरह से राइट नीडल में लेना है, अब इस फंदे को फिर लेफ्ट नीडल में इसे उतारना है और ये चार फंदा और इस उल्टा फंदा को फिर एक साथ लेना है, इस तरह से धागा नीडल पीछे से डालना है इस तरह से।
और फिर लास्ट में आपको 7 फंदा बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदा बचेगा। लास्ट का एज स्टिच ये सीधा, ये डिजाइन 16 रो का डिजाइन है, 16 रो में आपको इससे डिजाइन बन के आएगा। देखिए 16, 1 to 16 आपको रिपीट करना है बार बार, देने से डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।